ऊना में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अंब में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं को निपटने में अपनी प्राथमिकताएं दें। साथ ही विद्युत विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री जिला ऊना के प्रवास पर पहुंचे थे। सुखराम चौधरी ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी वर्ष 2021 की कार्य योजना में जन प्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को भी शामिल करें, साथ ही लोगों की समस्याओं का निपटारा करने के साथ साथ अपनी फीडबैक को भी कार्य योजना में डालें ताकि उसके परिणाम लोगों को दिखाई दें। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने विद्युत तथा जल शक्ति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया और कहा कि जल शक्ति विभाग की सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के लिए समय समय पर ट्रांसफार्मर लगाने होते हैं ताकि लोगों को पानी की सुविधा के लिए तरसना ना पड़े। बैठक में सुखराम चौधरी ने कहा कि लो वोल्टेज की समस्या वाले क्षेत्रों में जहां भी 33 केवी के सबस्टेशन बनाने की आवश्यकता है, विभाग उसका एस्टीमेट बनाकर भेजे और प्रदेश सरकार उसके लिए बजट का प्रावधान करेगा। आपका वर्किंग प्रोग्राम अगले साल का बनेगा, वर्ष 2021 का। वो एक वर्किंग प्रोग्राम ऐसा है, उसमें लगना चाहिए कि आपने जो वर्किंग प्रोग्राम स्थानीय विधायक के साथ बैठकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक बनाया है, उससे लोगों को सर होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा प्रदेश है, हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट हैं छोटे छोटे। अब 220 केवी का सबस्टेशन बना आपका, उससे 132 केवी की छोटी छोटी